चय सुरेंद्र चय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है आयावया ही चय सो उमल्लम कामे कमाहि कनियंखु दुःखम छिन्दाहि दोषम विन इज्जरागम एवं सुहि हो हिषि संपराय। संसार में हम सुखी कैसे रह सकते हैं? आगम वाङ्मय के मेरे द्वारा अभी उच्चरित किए गए श्लोक में सुखी जीवन जीने के उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय है आयावया ही चय सो उमल्लम आतापय त्यज सौकुमार्यम आश्रय। अपने आप को तपाओ कि सुखी जीवन जीना है तो तपो, सुकुमारता को छोड़ो, सुख से लियापन या वो सुविधावादी ज्यादा मनोवृत्ति इसको छोड़ो। कठिनाई के साथ भी कुछ जीने का अभ्यास हो। गर्मी पड़ती है और आप लोग गृहस्थ कभी एसी में रह जाएं, ऑफिस में भी एसी, घर में भी एसी, शायद कार में भी कोई एसी हो तो हो जाए ताकि वो गर्मी न लगे। सामान्य रूप में आदमी की भावना की कष्ट न झेलना पड़े। अथवा पंखा चला लो, कूलर चला लो, तो सामान्य रूप में दुनिया में चलते हैं। परंतु गर्मी को भी कुछ सहन कर सकें यह भी मनोभावना हमारी रहे कि कुछ गर्मी को भी सहन कर सके। अब बिजली चली गई, पंखा चलना बंद हो गया, तब क्या करेंगे? अब थोड़ा सहन करना ही पड़ सकता है ना। तो हमारा मनोबल रहे, थोड़ी गर्मी को भी सहन कर सके। ठीक है, बिना मतलब कोई गर्मी में न भी बैठे, पर अपेक्षा हो तो गर्मी को भी सहन कर सके। तो अपने आप को तपाओ। कठिन काम करने का भी हमारा मनोभाव हो। आसान काम करना तो ठीक है, कोई भी मान लो करने वाला आसान काम कर ले, पर कठिन काम भी मैं कर सकूं यह मनोभाव रहे। जीवन में विकास करना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ कठिनाई असुविधापूर्ण माहौल में भी रहने का मनोभाव हो, यह सुखी जीवन का उपाय है, सूत्र है। अध्यापक ने बच्चे से, विद्यार्थी से पूछा कि तुम कठिन काम करना चाहोगे या आसान काम करना चाहोगे? तो बच्चा बोला, गुरुजी मैं कठिन काम करना चाहूंगा। तो गुरुजी ने कहा, देखो कोई दूसरा बच्चा तुमको कुछ ऐसा वैसा बोल दे तो उसको वापिस बोलना कठिन काम है या सहन कर लेना कठिन काम है? का कठिन काम तो सहन करना है। तो क्या तुम सहन करोगे? बच्चा दूसरा कुछ भी तुमको गाली भी दे दे, बोल दे, तो फिर तुम वापिस जवाब नहीं दे के सहन कर लोगे? हाँ, अब मैं ध्यान दूंगा कि कठिन काम यही है
कि वापिस जवाब न देकर वापिस दो की चार न सुनाकर सहन करना। तो सहन करना कठिन काम है मन में, या वापिस गुस्सा करना कठिन काम नहीं है। अब दूसरी बात है, कोई परिस्थिति आ गई, अब दो रास्ते हैं, झूठ बोलना या सच बोलना। गुरुजी ने पूछा कि वहाँ कठिन काम कौन सा होगा, झूठ बोलना कठिन काम है या सच बोलना। कि कठिन काम तो सच बोलना है, क्या तुम कठिन काम करोगे? हाँ कठिन काम करूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ऐसे गुरुजी ने अनेक बातें बच्चे को बता दी कि जीवन में कुछ कठिन काम करने का, कठिनाई को झेलने का। कठिनाई क्यों झेलना? ऊंचे लक्ष्य के लिए, ऊंचे लक्ष्य को पाने के लिए कठिनाई को झेलना। बिना मतलब तो कठिनाई क्यों झेलें? कोई ऊंचा लक्ष्य हो कि कठिनाई को झेलने से ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी, तो फिर आदमी को कठिनाई को झेलने का भी मानस रखना चाहिए। ईमानदारी सच्चाई है तो कुछ कठिन काम भी यह हो सकता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलना, झूठ बोलना तो बहुत कभी कभी आसान काम है, परंतु ईमानदारी के रास्ते पर चलना, ईमानदारी परेशान हो सकती है परंतु परास्त नहीं होती, पराजित नहीं होती। तो परेशानी तो झेलनी पड़ सकती है, पर विजय आखिर सच्चाई ईमानदारी की है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पर चलने से कठिनाई भी थोड़ी आए, कुछ आए आए कोई बात नहीं, उसको झेलें, आगे बहुत अच्छा तत्व मिलने वाला है, अच्छी स्थिति मिलने वाली है। तो कठिनाई को अच्छे लक्ष्य के लिए झेलने का हमारा मनोभाव रहना चाहिए। तो शास्त्रकार ने जो कहा है कि आया वया ही चयसो उमल्लम, अपने आप को तपाओ। हम संत लोग हैं, हमारे मैं भी हूँ, संत लोग भी है, हमारे साध्वी जी भी हैं। अब कठिनाई को लंबा विहार भी है, थोड़ी कठिनाई तो हो सकती है कि 16 किलोमीटर चलना। मौसम भी मई महीना है, जेठ महीना है, तो कुछ कठिनाई तो हो सकती है। चलो फिर आगे, चलो फिर आगे, चलो चलते रहो, थोड़ा कभी रुकना फिर चलना। पर साधु संत लोग इसको भी एक अपना चर्या का अंग मानो मानते हुए विहार चर्या में लगे रहते हैं। यह उठा पटक सुबह फिर शाम को विहार से उठा पटक सी हो जाती है, यह भी एक तरह से सहन करने की बात है, भी ठीक है, हम साधु हैं। तो यह कठिनाई को झेलना। दूसरा उपाय बताया सुखी जीवन पाने का, कामे कमाही कमियं खुदुखम, कामों का क्रमण करो, अतिक्रमण करो, कामनाओं को छोड़ो, कामनाओं को संतुलित कर लो, कम कर लो, अतिक्रांत कर दो, तो दुख भी अतिक्रांत हो जाएगा। कामों को कम कर लो तो दुख भी कम हो जाएगा। आदमी में लालसा आकांक्षा ज़्यादा होती है तो फिर उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो मन में दुख और गुस्सा भी करे, मुझे मिला नहीं, मुझे मिला नहीं। कामनाएं एक दुख का बड़ा कारण है, तो कामनाएं लालसाएं वो शांत हो जाएं या कम हो जाएं, आप लोग गृहस्थ हैं, कामनाओं को कम कर लें, परिग्रह की सीमा कर लें। श्रावक के 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण, 7वां है भोगोपभोग परिमाण। इच्छाओं का परिसीमन कर ले,
इच्छा 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 बढ़ती न जाए। और व्यक्तिगत जीवन में भोग भोगोपभोग पदार्थों आदि के उपभोग भोग में भी सीमाकरण हो जाए। तो यह संयम की एक साधना है गृहस्थ जीवन की, कि इच्छाओं का परिसीमन, भोगोपभोग का परिमाण। तो यह भी दुख मुक्ति की दिशा में बढ़ने का एक उपाय है कि कामनाओं को आदमी कम करे। तीसरा उपाय है छिंदा ही दोषम, द्वेष का छेदन करो। द्वेष किसी से मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, सबके प्रति मंगल भावना रहे, कम से कम द्वेष ईर्ष्या की भावना न रहे। और दूसरों को दुखी देखकर हम सुखी न बने। एक महत्वपूर्ण वाक्य है, दूसरों को दुखी देखकर हम कभी सुखी न बने। दूसरा वाक्य है, दूसरों को सुखी देखकर हम कभी दुखी न बने। दूसरा दुखी है तो हम उसमें आनंद मने, हाँ बहुत अच्छा, दुखी हो गया, तकलीफ आ गई। दूसरे को दुखी देख करके कभी हर्ष नहीं करना चाहिए, मौज नहीं मनानी चाहिए, सुखी नहीं बनना चाहिए। दूसरा दुखी है तो निर्वद्य अनुकंपा करें, पवित्र अनुकंपा करें, वो तो बढ़िया। करुणा करें, दुखियों के प्रति करुणा रखें, वो तो अच्छी है। तो दुखियों को दुखी हुए देखकर खुशी मनाना, वो अच्छी बात नहीं। दूसरा कोई सुखी है, उसको देखकर दुखी बनना, रे वो क्यों सुखी बन गया, वो क्यों आगे बढ़ गया, उसको क्यों मिल गया, मुझे तो नहीं मिला। तो ईर्ष्या का भाव हमारे मन में नहीं आना चाहिए। तो दूसरों के दुख में हम कोई कर सकें तो लोकोत्तर पवित्र अनुकंपा करें, चित्त समाधि किसी को पहुंचाने का प्रयास करें, पर दुखी देखकर दूसरों को हम खुशियां न मनाएं। दूसरे सुखी हो गए हैं तो उनके सुखित्व को देखकर हम कभी दुखी न बने, अमंगल भावना न करें। तो शास्त्रकार ने कहा छिंदा ही दोषम, द्वेष को छिन्न करो, किसी से द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। चौथा उपाय बताया बिन इज्ज रागम, राग भाव को दूर करो। पदार्थों में आदि में जितनी आसक्ति ज्यादा होती है वह दुख का कारण है। तो ज्यादा राग भाव किसी से मत करो, पदार्थों के प्रति ज्यादा मोह नहीं, धन के प्रति भी ज्यादा आसक्ति नहीं। तो राग भाव को छोड़ दिया, कितना आदमी सुखी बन सकता है। तो पहली बात है अपने आप को तपाना, सुकुमारता को छोड़ना। दूसरी बात है कामों का अतिक्रमण करो, कामनाओं को छोड़ो। तीसरी बात है द्वेष को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो। और चौथी बात है कि राग भाव का विनयन करो, राग भाव को दूर करो, तो तुम इस संसार में सुखी बन जाओगे। आप लोग गृहस्थ हैं, साधु का जीवन एक अलग तरह का होता है, परंतु गृहस्थों का जीवन है। गृहस्थों के लिए साधु तो पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, परंतु गृहस्थों में भी कई बहुत अच्छे साधु तो मान लो नहीं, पर साधु जैसे कई लोग बहुत संयमी, बहुत सादगी वाले, बहुत अपना सिंपल जीवन, धर्म ज्ञान में ज़्यादा रहने वाले, त्याग तपस्या में ज़्यादा रुचि लेने वाले, ईमानदारी व्यवसाय आदि में ईमानदारी रखने वाले, ऐसे भी कोई गृहस्थ जो होते हैं, वे मान लो साधु तो नहीं, परंतु कुछ अंशों में उनमें साधना एक मान लो आई हुई है, ऐसा माना जा सकता है।
तो गृहस्थ जीवन में कुछ अंशों में साधु की तरह जीना वो कैसे हो सकता है? जितना त्याग तपस्या संयम का क्रम बढ़ता है, अपना जितना समय मिल सके धार्मिक साधना में लगाना। अब जैसे सुमंगल साधना है, श्रावक संदेशिका में भी दी गई, सुमंगल साधना जो करता है वो संभवतः गृहस्थ जीवन में भी कुछ अंशों में अच्छा साधक बन जाता है, क्योंकि हिंसा झूठ चोरी आदि का कितना त्याग हो जाता है। 12 व्रतों की साधना से भी मानो एक संदर्भ में बहुत ऊंची साधना वो सुमंगल साधना है। अनेक गृहस्थों ने यह सुमंगल साधना का व्रत नियम भी स्वीकार किया है, श्रावक संदेशिका में वो दी भी गई है। तो यह कोई यह पूछे कि गृहस्थ जीवन में साधु जैसा कैसे या कुछ अंशों में साधकता कैसे, उसका एक उत्तर है कि सुमंगल साधना पर ध्यान दे लो, वो एक गृहस्थ जीवन में भी एक साधकता कुछ अंशों में प्राप्त करा सकती है। गृहस्थ जीवन में अपना समय साधना में भी लगाया जाए, 24 घंटों में 2 घंटा 3 घंटा जितना मिल सके, सामायिक है, स्वाध्याय है, जप ध्यान ऐसी चीजें हैं, स्वाध्याय में अच्छा समय लग सकता है, मन भी लग जाए तो समय भी अच्छा व्यतीत हो सकता है। तो यों समय भी कुछ साधना में लगाए जाए तो गार्हस्थ्य में भी अच्छी साधकता की प्राप्ति हो सकती है। भगवान महावीर के समय भी श्रावक हुए, आनंद आदि आदि श्रावक हुए हैं, आचार्य भिक्षु के समय भी श्रावक हुए हैं, और भी हमारे पूजनीय आचार्यों के काल में, गुरुदेव तुलसी के समय आचार्य महापुरुष कितने श्रावक लोग हुए हैं। तो श्रावक श्रावक सारे एक समान तो होने मुश्किल हैं, साधु साधु भी सारे एक समान नहीं होने मुश्किल हैं। साधु साधु में भी तारतम्य हो सकता है, किसी की साधना बहुत उच्च है, किसी की थोड़ी साधना भी कम है। तो श्रावक श्रावक में भी तारतम्य हो सकता है, किसी श्रावक की साधना बहुत ऊंची है, एका बहुतारी है, कोई श्रावक की साधना अभी पक्की नहीं है, कई जन्म उसको अभी तक लेने पड़ सकते हैं। तो यह मनुष्य जीवन है, इसका जितना बढ़िया उपयोग हम साधना में कर लें, और कुछ भी मिल जाए जिंदगी में, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, कब तक रहेगा आखिर, कब तक रहेगा? इस जीवन के बाद तो कोई महत्व नहीं है। यह जीवन है कितना, 100 वर्ष मान लो, 105 110 कितने वर्ष आएंगे आखिर? इस जीवन तक पैसा आपके पास रह सकता है, मान लो पद भी रहे तो रह जाए, इज्जत प्रतिष्ठा रह जाए, आगे क्या है? यह हमारा जीवन तो थोड़ा ही है, आगे कितना काल है, आगे कितना काल है। तो आगे पर भी हम ध्यान दें, इस जीवन में ऐसा करें कि अगले का भी रास्ता अच्छा हो जाए। उसके लिए यह धर्म की साधना है कि पाठेय, यह धर्म का पाठेय, टिफिन साथ में ले जाएंगे आगे काम आ सकेगा, टिफिन साथ में नहीं लिया, यहाँ से हमारे संत लोग चलते हैं सवेरे, मान लो चले 16 किलोमीटर, साथ में पानी ले लिया है तो आगे जाके जितनी सीमा पानी पी सकते हैं, साथ में कुछ लिया ही नहीं है, 16 किलोमीटर बिना पानी चलना पड़ेगा तो रास्ते में प्यास लग जाएगी, तो पानी है ही नहीं तो क्या पिएंगे, तो साथ में ले लिया तो सीमा तक तो काम आ सकता है। और थोड़ा बहुत खाने की चीज साथ में ले ली, बाल मुनि भूख लग गई तो वो मान लो कुछ काम आ जाए। इसी तरह आदमी एक जंगल के रास्ते से जाता है, बीच में कुछ भी नहीं है, भोजनालय नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, साथ में कुछ लिया नहीं तो क्या खाएगा और क्या पिएगा, शरीर का नुकसान हो सकता है, साथ में ले लिया तो रास्ते में काम आ सकेगा। इसी प्रकार शास्त्र में कहा गया है कि अगले जन्म में हम जाते हैं तो इस जीवन से साथ में कुछ लिया कि नहीं लिया, वो टिफिन
टिप्पण टिप्पण टिफिन, धर्म का टिफिन साथ में लिया कि नहीं लिया तो आगे काम आ गया, वो नहीं लिया कुछ आगे कठिनाई हो सकती है। तो वो टिफिन तैयार करने का समय अभी हमारा है, मानव जीवन है, वो टिफिन हमारा तैयार होता रहे होता रहे, आज इतना तैयार आगे और धीमे धीमे भरते जाएं। जैसे कोई मान लो घड़ा है तो बूंद बूंद से घट भरे, आप लोगों के कहीं कहीं वो होती है दान पेटिका, कहीं मंदिरों आदि में वो दान पेटिकाएँ होती है, तो वो आज कुछ डाल दिया कल फिर डालते डालते कुछ महीनों में वर्षों में दान पेटिका भर सकती है। तो हमारी आत्मा की दान पेटिका है वो तो हमें ही भरनी पड़ेगी, रोज कुछ डालते जाएं। आज इतने आप लोग गृहस्थ, आज इतने सामायिक की, आज नौकरशी की, आज वो किया, उस दान पेटिका में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, फिर कभी 100 वर्ष मान लो आएंगे तो वो दान पेटिका साथ में जा सकती है, या आपके संसार की दान पेटिका वो तो साथ आपके नहीं जाती है, या धर्म की दान पेटिका है भीतर में है वो हमारे साथ जा सकती है। वो दान पेटिका हम भरने का प्रयास करते रहें, यह काम्य है।